नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। राजधानी के बीकेटी में बने एसआरएस कॉलेज के हॉस्टल में 8वीं में पढ़ने वाली छात्र प्रिया राठौर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का राज अब गहराता चला जा रहा है। बीते सप्ताह देर शाम मौत की घटना ने अब हत्या की जांच का विषय बन गया है। कॉलेज प्रबंधन के उलटफेर बयान बदलने से एक तरफ परिजनों का शक गहराया तो साथ ही ये भी बड़ा सवाल उठता है कि शाम को 8 बजे के तकरीबन परिजनों से बात हुई तो वही 9 बजे की मौत की सूचना पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। साथ ही मौत का कारण हॉस्टल परिसर ने खाना खाने के बाद टहलने के दौरान गिरने की बात बताई थी। और तो वही पोस्टमार्टम में मौत का कारण ब्रेन हेमरेज, रीढ़ की हड्डी और पैर की हड्डियां टूटना बताया गया था। पर हाल देर रात परिजनों की तहरीर पर बीकेटी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है, आगे की कार्यवाही में जुटी है। बड़ा सवाल ये भी उठता है कि लगातार कॉलेज प्रबंधन की तरफ से बयान बदलना और CCTV का परिसर में न होना कहीं ना कहीं एक बड़ी अनहोनी और षड्यंत्र को भी दर्शाता है। प्रिया को हमारी 8 तारीख को मैं 7:08 57 मिनट पर बात हुई। प्रिया बिल्कुल फिट थी, बहुत अच्छे से बोल रही थी, राजी खुशी हुई बात पूछी गई तो कोई उसको प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 9:04 पे वार्डन मैम का फ़ोन आता है कि प्रिया मैस में खाना खा के आ रही थी और वो रोड पर गिर गई है, जिसकी वजह से बेहोश है, हम उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हमने कहा इतने जल्दी ऐसे कैसे हो गया। थोड़ी देर में फोन आता है कि मतलब कांस्टेबल का कि वो उसकी डेथ हो गई है, हॉस्पिटल में है। अभी मैं कल गया, जब फिर से मिला तो विद्यालय प्रबंधन पूरी बात को बदल रहा है, घुमा फिरा रहा है, मामले को डाइवर्ट करना चाहता है, डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जबकि उसका और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसको ऐसी चोटें आई हैं, उसका मर्डर हुआ है, मैं मामले की जांच चाहता हूँ। 20/1/2023 को थाना क्षेत्र बीकेटी में स्थित SR स्कूल का छात्र प्रिया राठौर गिरने के वजह से इंजर्ड हो गया था। स्कूल अथॉरिटीज द्वारा उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था, फिर उन्होंने वहीं पे उनको मृत घोषित किया गया है। उचित टाइम पे स्कूल द्वारा और पुलिस द्वारा परिजनों को सूचना दिया गया था, परंतु विलंब से आज 23/1/2023 रात 10:30 परिजन थाने पर तहरीर दिया है। दिया हुआ तहरीर के आधार पर मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 में पंजीकृत किया गया है। साक्ष्य संकलन का कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है और अन्य कानूनी कार्रवाई भी किया जा रहा है। लखनऊ के SR कॉलेज में 8वीं क्लास की छात्रा की मौत अब मर्डर मिस्ट्री में बदल चुकी है। कल उसके परिजनों ने BKT थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है उसे अज्ञात के खिलाफ। और देखने वाली बात यह है कि अब तक अस्पताल पर प्रबंधन की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ जाहिर किया गया था कि लड़की की मौत ब्रेन हैमरेज और उसकी रीढ़ की हड्डी और पैर की हड्डी टूटने से हुई है। तो वहीं लगातार जो कॉलेज प्रबंधन है वो अपने जवाब पलटता रहा और कहीं ना कहीं पुलिस ने संदिग्ध घेरे में लिया और अज्ञात के खिलाफ कल देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कॉलेज में उसमें 250 छात्र थे और स्टाफ भी थे, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ कॉलेज प्रबंधन ये कहा कि लड़की खाना खाने के बाद गिर पड़ी, गस खाकर उसे अस्पताल ले जाया गया, तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये साफ साफ कर दिया है कि उसकी मौत अब मिस्ट्री का रूप ले चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ ADCP का भी बयान आता है, वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी जाँच की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि कॉलेज प्रशासन ने, प्रबंधन ने अपने स्कूल परिसर में कैमरे नहीं लगाए थे, तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में पूरा मामला आता है। और देखने वाली बात यह हो कि पुलिस अब इस घटना का खुलासा या फिर जो अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा है उसका कब तक खुलासा कर पाती है। कैमरामैन सुधीर के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।